केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रेस वार्ता हुई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी अनुराग ठाकुर ने और साथ ही कहा कि पीएम मोदी ने विज्ञान को प्राथमिकता दी। देश विज्ञान के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरना एक इतिहास है। अनुराग ठाकुर ने वैज्ञानिकों की उपलब्धि की सराहना की। पीएम मोदी को विजन और लीडरशिप के लिए बधाई दी। महिला वैज्ञानिकों ने भी शानदार काम किया है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत नई ऊंचाई पर पहुंचा है। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। पीएम मोदी की प्रेरणा ने मिशन को नई ऊंचाई दी है। युवा पीढ़ी में विज्ञान के प्रति उत्साह बढ़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत अपने बल पर कुछ भी हासिल कर सकता है। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पूरा करेगा। ये कह सकते हैं कि नए भारत की नई पहचान, नई उड़ान, नए भारत की नई छलांग ये स्पेस सेक्टर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और स्पेस सेक्टर में इस उपलब्धि पर समस्त कैबिनेट मंत्रियों ने भी अपनी खुशी प्रकट की और एक कैबिनेट नोट जो कैबिनेट प्रस्ताव उसमें पास हुआ है मैं उसको आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पूरा देश चंद्रमा पर मिशन चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मना रहा है। केंद्रीय कैबिनेट भी इस खुशी में शामिल है। कैबिनेट हमारे वैज्ञानिकों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना करती है। यह सिर्फ हमारी स्पेस एजेंसी की ही सफलता नहीं है बल्कि भारत की प्रगति और ग्लोबल स्टेज पर हमारी ताकत का प्रतीक है। कैबिनेट इस बात का है कि अब 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। कैबिनेट इसरो के इस प्रयासों के लिए बहुत बहुत बधाई देती है। तो कैबिनेट के फैसलों की जानकारी अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जिन्होंने प्रेस वार्ता में जिक्र किया तमाम अहम मुद्दों का, लेकिन सबसे खास बात जिसमें सराहना उन्होंने मोदी सरकार की किए प्रधानमंत्री मोदी के विजन की चंद्रयान की सफलता इसे लेकर अनुराग ठाकुर ने एक कहा कि देश विज्ञान के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरना एक इतिहास है। वैज्ञानिकों की उपलब्धि की सराहना की तो साथ ही विजन और लीडरशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसे लेकर भी उन्होंने बधाई दी। महिला वैज्ञानिकों ने भी शानदार काम किया। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।